नमस्कार और जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एजे स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है क्लास 8 न्यू सिलेबस NCERT 2021-22 हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSE ने इस वर्ष कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। पिछले वर्ष ही उन्होंने NCERT सिलेबस लागू किया था और इस वर्ष भी वही सिलेबस लागू है। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है क्लास 8 का, उसमें कौन से चैप्टर रहेंगे और चैप्टरों की संख्या क्या होगी और बुक्स कितनी होगी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो ये हमारे पास कुल 4 किताबें होगी। तो ये हमारे पास 4 किताबें आपको दिख रही है, आप इनको बाजार से भी खरीद सकते हैं और मैं आपको इन्हें डाउनलोड करना भी अभी बता दूंगा कि आप फ़ोन से इसे किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, हम हमारे पास जो फर्स्ट बुक आती है उसका नाम है वसंत भाग 3। तो इस बुक को आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार की है। तो इस बुक के अंदर आपको कुल आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर आपको कुल 1 से लेकर 18 चैप्टर है इसमें। इन चैप्टरों के नाम भी आपको इस प्रकार स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रकार ये 1 से लेकर 18 चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ध्वनि और लास्ट चैप्टर है अब हम देख सकते हैं हमारी सेकंड किताब है दुर्वा। जो दुर्वा हमारी बुक है वो इस प्रकार की है और इसमें भी कुल बहुत अधिक चैप्टर हैं। इसमें 1 से लेकर 19 कुल 19 चैप्टर है। 1 से लेकर 19 चैप्टर दुर्वा बुक में रहेंगे। अब इसके बाद हम बात करें हमारी थर्ड बुक की, वह है भारत की खोज, जो इस प्रकार की है। इस भारत की खोज बुक में भी हमारे पास कुल 1 से लेकर 9 चैप्टर रहेंगे। ठीक है, भारत की खोज में 1 से लेकर 9 चैप्टर रहेंगे इस प्रकार। और अब बात करें हमारी हिंदी की लास्ट एंड फोर्थ बुक की, तो वह संक्षिप्त बुद्धि चरित, इसमें कुल 1 से लेकर 5 चैप्टर हमारे पास रहेंगे इस प्रकार। तो हमारे पास हिंदी की बुक्स कितनी है, 4 बुक्स है और 4 बुक के चैप्टर भी मैंने आपको बता दिए इस प्रकार रहेंगे। अब हम बात करें कि इन बुक्स को हम फोन द्वारा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका वीडियो हमने बना दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख ले और इनको बुक को डाउनलोड कर ले। तो ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए और बोर्ड क्लासों से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।